एक अरसा हो गया नौकरी के लिए कोई समाचार नहीं आ रहा था, विशेषकर भाषा के क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में। आज मैं आपको हिंदी अनुवादक के पद और उसके साथ ही लैंग्वेज प्रोफेशनल्स के पद के वैकेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। अंत तक बने रहिएगा और आइए देखते हैं आज हमारे झोले में क्या क्या है, किस किस प्रकार का समाचार है। चलिए फिर आज की पहली खबर शुरू करते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 12 से 18 मार्च वाला। इसमें रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी भर्ती है। ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है आपकी नई दिल्ली में। इसमें भर्ती आई है सबसे पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये डेपुटेशन में है तो जो लोग नौकरी में हैं पहले उनके लिए है। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वह जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पद है, सीरियल नंबर 2, अनरिजर्व पोस्ट है, पे मैट्रिक्स लेवल 6 है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट होते हैं, ये लेवल 1 में आते हैं, आप कह सकते हैं ये UDC हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और MTS है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो मैंने जैसे शुरू किया था, मैं हिंदी या जूनियर ट्रांसलेटर के पद की बात करूं, आइए इसके बारे में थोड़ा सा विवरण और देख लेते हैं। देखिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो पद है सिर्फ 1 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और पे लेवल 6 है, अर्थात आपकी स्टार्टिंग सैलरी कुछ नहीं तो 45,000 रुपये से शुरुआत होगी, प्लस और भी कुछ रहेगा। इसमें अधिकतम आयु मांगी गई है 30 वर्ष। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट 5 साल तक रहे हैं तो उसके अनुसार आपको इसमें छूट मिलेगी। और क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट, मतलब जिस दिन इसका आवेदन का समय समाप्त होता है वह दिन जोड़ा जाएगा आपका। इसका क्वालिफिकेशन SSC की तरह से ही है, मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश, मास्टर में हिंदी है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। अगर वह नहीं है, मास्टर्स इंग्लिश है तो ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। अगर आपके पास वह भी नहीं है तो फिर मास्टर्स डिग्री किसी विषय में हो अदर देन हिंदी और इंग्लिश, उसमें हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर आपके पास वह भी नहीं है तो मास्टर्स डिग्री किसी विषय में हो और उसमें फिर वाइस वर्सा इंग्लिश पढ़ी हो, इंग्लिश मीडियम हो और हिंदी एक विषय हो। अगर वह भी नहीं है तो मास्टर्स डिग्री किसी भी विषय में हो, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो ग्रेजुएशन में। इतना ज़्यादा विकल्प दिया है, इसमें से कोई ना कोई आपके पास होगा ही। इसके साथ में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, कि आपके पास रिकॉग्नाइज डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट हो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का, और नहीं तो 2 साल का अनुभव मांगा है। ट्रांसलेशन वर्क किसमें मांगा है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज, ध्यान रहे प्राइवेट का इसमें नहीं चलेगा। डिजायरेबल मांगा है कि आपके पास भारत की अन्य भाषाओं में से किसी एक भाषा की जानकारी हो और उसमें अगर डिप्लोमा हो तो वो भी चल जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, मैं ये बता दूं आपको कि इसका आवेदन आपको ऑफलाइन करना है, इस विज्ञापन के साथ ही इसका आवेदन भी है। देखिए, आप देख रहे हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट GALI-KUCHA.blogspot.com पे डाल दिया है, BLOGSPOT इतना डालेंगे तो गूगल आपको सहयोग करके मेरे वेबसाइट तक पहुंचा देगा। तो इस पे मैंने डाला हुआ है, आप लिंक से सीधे आवेदन डाउनलोड करें और उसे